सरकार आईजीएमसी में कृत्रिम अंग प्रत्यारोपण सेंटर स्थापित करेगी, जिससे अपने शरीर का हिस्सा खो चुके लोगों को कुछ मदद मिल सके। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने ये बात शिमला में 4 दिवसीय कृत्रिम अंग प्रत्यारोपण शिविर के शुभारंभ के मौके पर कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश और देश दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके साथ कोई हादसा हो जाता है और उनका शरीर का अंग क्षतिग्रस्त हो जाता है और वे लोग अपने जीवन को कठिन परिस्थितियों में पाते हैं। शारीरिक रूप के साथ मानसिक रूप से भी वे परेशान होते हैं। दिव्यांग सहायता समिति जो कि जयपुर से शिमला कैंप लगाने पहुंची है, जो शिमला के बाद जिला कांगड़ा मंडी में भी कैंप लगाएगी। उन्होंने कहा कि विचार कर रहे हैं कि जल्द ही कुछ लोगों को इनके लिए ट्रेनिंग के लिए भेजा जाए और जो भी सामान चाहिए होगा वो सरकार द्वारा प्रदान किया जाएगा। साथ ही आने वाले समय में आईजीएमसी में एक स्थान चयनित करके कृत्रिम अंग लगाने की सुविधा प्रदान करेंगे ताकि ऐसे लोगों के जीवन को बेहतर बनाया जाए। वहीं मुख्यमंत्री ने पुलिस की मांगों को लेकर कहा कि इस पर विचार किया जाएगा। वे शांतिपूर्ण तरीके से पहुंचे थे, उन्होंने अपनी भावनाएं व्यक्त की है जिस पर विचार हो रहा है। वहीं ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों पर सीएम ने कहा कि प्रदेश की तैयारियां पूरी है। प्रदेश में कोरोना के आंकड़ों में कमी आई है, बावजूद इसके सभी को सतर्क रहने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री महोदय, राज्य स्तरीय कृत्रिम अंग प्रत्यारोपण शिविर का जिसका उद्घाटन किया जा रहा है, मंडी में शिविर चलेगा जिसमें लगभग 400 के करीब लाभार्थियों को ये टेम्परेचर में आने के बाद। जी सर, तो ये पूरा सर यही सिस्टम तैयार हो रहा है, यहीं पे इनको 3-4 घंटे में पैर लगा। मतलब सर ये आपको दिखा देते हैं कैसे गर्म होता है और एक वो पाइप भी दे देना जी, ये पूरा गर्म है सर और ये पूरा मतलब साइज उससे बनेगा। जी सर, ये एसीबी पाइप है सर। ये कैसा लगता है? ठीक है, ठीक है। आपको हम सर 3-4 ये सर मॉडिफिकेशन हो गया है। पानी एक शिमला में जो आज है 1-2-3 को सर, इसमें 4 जिले जो हमारे शिमला रीजन के हुआ उधर वाइस मार अंडा भैया अड़नाटा। होल्डिंग वगैरह सब कर सकते हैं। इनके आज ही लगाए सर, आज ही पेंटिंग इन्हें भेंट स्वरूप दी जा रही है। उसके बाद महापौर शिमला नगर निगम हिमाचल प्रदेश में और पूरे इसमें हमने देश दुनिया में देखा है, कई बार ऐसी घटनाएं आदमी के जीवन में घटित हो जाती हैं जिसके कारण स्वस्थ होने के बावजूद भी आदमी का कोई अंग जो है वो क्षतिग्रस्त हो जाता है, उसे नुकसान हो जाता है एक्सीडेंट के कारण या किसी और वजह से। ऐसे में वो आदमी अपने जीवन को बहुत कठिन दौर में पाता है, मानसिक रूप से भी बहुत बड़ी परेशानी का दौर होता है और उसके साथ साथ में शारीरिक रूप से भी बहुत पीड़ा का उसके लिए दौर होता है। उसमें विशेष तौर से आज भगवान महावीर दिव्यांग सहायता समिति जो है हमारी यहाँ हिमाचल प्रदेश में शिमला में आए हैं, एक बहुत सुंदर प्रयास इन्होंने पूरे देश भर में किया है। जयपुर से आए हैं और उसके बाद यहाँ शिमला में, शिमला के बाद मंडी में, मंडी के बाद फिर कांगड़ा में, 3 जगह ये कैंप इस तरह से लगा रहे हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात देखी मैंने कि उसी वक्त ही थोड़ी देर 1 घंटे के अंदर अंदर सारा वो बना करके तैयार कर देते हैं साइज़ के मुताबिक और उसके कंफर्ट लेवल को और बेहतर किया जाए इस तरह से वो प्रयत्न करते हैं ताकि किसी का अगर शरीर का कोई अंग इस प्रकार से टूट गया है या खराब हो गया है
तो उसको वो कृत्रिम अंग लगा करके मदद कर रहे हैं। और इस प्रकार से हिमाचल प्रदेश में हमने आज तय किया कि हम IGMC में आने वाले समय में कोई एक स्थान निर्धारित करके कुछ लोगों को ट्रेनिंग के लिए भेजेंगे। ट्रेनिंग करने के बाद जो भी उनको सारी टेक्निकली कुछ चीज़ों की ज़रूरत तो उसमें होगी वो सरकार की ओर से मुहैया कराएंगे। और स्थायी रूप से हिमाचल प्रदेश में जो दिव्यांगों के लिए इस तरह से कृत्रिम अंग दे करके उनकी ज़िंदगी को बेहतर करने की कोशिश करेंगे। पुलिसकर्मी आए थे आपके